किसी ना किसी तरह से किसी की टांग खींच रहा है, तो काफी मजा आ रहा है। क्या प्लान सौरभ, कैसे सेलिब्रेट करने वाले होली? होली हमारे घर में कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट होती है, जहाँ पर हम लोग और हमारे फैमिली के और लोग मिलके चंदन या फूलों से होली खेलते हैं। वो उसमें पानी यूटिलाइज नहीं करते, हम यूज नहीं करते, और मेरे ख्याल से वो ठीक भी है। तो हम लोग को ऐसे ही सूखी होली से काम चलाते हैं। अच्छा, होली का कोई फेवरेट सॉन्ग? होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग खिल मिल जाते हैं। और इसको विश कर दीजिए आप सभी को मेरी तरफ से, यानी सौरभ राज जैन की तरफ से होली की। रुकना रुक पहला पीछे भी तो लाइफ है, आ रहा है हैप्पी होली सबको, प्रणाम। अच्छे से खेलिए, जमा के खेलिए, लेकिन जरा सेफ, सुरक्षित, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सबके मुंह लगाओ, रोलिंग सबसे पहले किस तरह से आप अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को सावधान करना चाहते हैं? ऊपर नहीं आ रहा आवाज, आएगा आवाज आप सर, रोल 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 रोल। सबसे पहले आपका स्वागत है सब, किस तरह से आप सबको सावधान करना चाहते हैं और हैप्पी होली और सेफ होली के लिए? हैप्पी होली और सेफ होली के लिए एक सावधानी भाई जो मैं बरतता हूँ वो ये कि रंग जब खरीदते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेचने वाले इंडस्ट्रियल डाइज भी बेचते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जहर है तकरीबन। तो साफ सुथरे रंग खरीदिए और पक्के रंग मत लगाइए भाई, उस दिन आपको बड़ी खुशी होती है, अगले दिन आपका दोस्त आपको बहुत कोसता है, ठीक है? बस इतना ही, और झगड़ा वगड़ा मत करना भाई, ठीक है? आपके सामने ये सब प्रॉपर्टीज रखी हुई है, टोपी कलर, याद आपको आता है कुछ बचपन में किस तरह से होली की आप देख सकते हैं उठा के कैप पर? जी ये बर्थडे पे लगाई जाती है, हमारे यहाँ होली पे नहीं लगाई जाती थी ये, ठीक है? ये गुलाल है, ये सबसे कीमती शस्त्र है होली का, ठीक है? इसके बिना आप होली नहीं खेल सकते हैं, आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। ये लीजिए, स्वाहा होली है टू यू। और क्या है, पिचकारी है, पिचकारी जितनी लंबी हो जितनी पावरफुल हो, आजकल तो बंदूक वाली आ गई है बहुत फैंसी, कुछ नहीं होता उनसे, ये बेस्ट है, ठीक है? इसमें से धार काफ़ी अच्छी निकलती है, काफ़ी दूर तक जाती है, ताकि आपको नुकसान ना हो, आप आराम से भिगो के भाग सकते हैं। और पहले ब्रास वाली आती थी, बहुत कमाल की पिचकारियाँ होती थी, वो पाँच छः होली निकल जाती थी, आजकल इसमें एक होली भी पूरी नहीं निकलती। एक आखिरी क्वेश्चन चाहेंगे, एक कहावत भी होली में बहुत करते हैं, बुरा ना मानो होली, कभी आपको कोई ऐसा वाक्य आया था जब आपने कुछ ऐसा करके कह दिया हो कि बुरा ना मानो होली है? ऐसा मैंने कहा नहीं, पर हो गया था। होली के दिन श्री रामगोपाल वर्मा जी बड़े अद्भुत डायरेक्टर हैं, तो वो तो होली दिवाली जैसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो बड़े अमानवीय किस्म के इंसान हैं। होली हम खेल चुके थे, दोपहर बाद जो है थोड़ा सुरूर, रंगों का सुरूर और बाकी सब चीज़ों का सुरूर था, उनका फ़ोन आया, घर बुला लिया, कुछ फिल्म का नरेशन दिया उन्होंने, उनका नरेशन तो समझ में नहीं आया मुझे, लेकिन उसके बाद मैंने उन्हें डेढ़ घंटा शिवा के ऊपर पूरा एनालिसिस दिया है। और ये रात को जब सुरूर उतरा है तब मुझे एहसास हुआ कि मैं रामगोपाल वर्मा को उन्हीं की फिल्म का क्रिटिकल एनालिसिस बता के आ गया हूँ। मन मन में कह दिया बुरा नाम यार होली है, ठीक है? कर दीजिए सर। ओके जी, हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं, दुश्मनी राग द्वेष सब भूल जाइए, गले मिलिए, दाग अच्छे। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। दादा फ्लैश कवर हो रहा है, ओ दादा फ्लैश कवर हो रहा है, क्या सब घुस रहे हैं? बाउंस करो ना। अरे क्यों बाउंस कर रही है, तुम पिछले घुस रहे हैं ना। अर्जुन सर यहाँ पे
आपका बहुत बहुत स्वागत है। होली की बड़ी जोर शोर से टाइम